सबसे पहले हमारे पास हैं टारगेट मार्केट नीड्स सो वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज की फैक्टर इन सेटिंग अप रिटेल ऑर्गेनाइजेशन तो फर्स्ट पॉइंट टारगेट मार्केट नीड्स के हवाले से इज आर देर सफिशेंट पर्सनल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट कस्टमर सर्विसेस तो एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को ये इवेल्यूएट करना है कि क्या जो कस्टमर सर्विसेज देने वाले लोग हैं आर दे सफिशेंटली अवेलेबल आर दे दिस पीपल आर जेबल एंड कर्टियस क्या स्टोर के अंदर आर द स्टोर हैव देंटेन फेसिलिटीज आर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द ब्रांच स्टोर कस्टमर्स मेट आर चेंजिंग नीड्स प्रॉपरली एड्रेस सो ऑल दीज मेजर पॉइंट जो कि टार्गेट मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं सो ए रिटेल स्टोर मस्ट कीप दैम इंटू कंसिडरेशन जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम दर्सनल लोगों की बात हुई लोगों को नॉलेज की बात हुई उनके स्किल सेट की बात हुई स्टोर की फैसिलिटीज़ के हवाले से बात हुई एंड देन वो तमाम नीड्स की बात हुई जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं एंड देन व्हाट आर दी आर देर एनी चेंजिंग नीड्स प्रॉपरली एड्रेस जितनी भी फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रही हैं मार्केट के अंदर क्या वो प्रॉपरली एड्रेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं तो ये वो फर्स्ट फैक्टर है जो कि टारगेट मार्केट नीड्स के हवाले से फुलफिल करता है अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं दूसरा फैक्टर जो है दैट इज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयी नीड्स के हवाले से अब इम्प्लॉई नीड्स के हवाले से जो पॉइंट्स हैं उसमें द फर्स्ट पॉइंट इज आर पोजिशन्स चैलेंजिंग एंड सैटिस्फाइंगफ तो इम्प्लॉयीज़ को जो पोजिशन्स दी गई हैं क्या वो उनके लिए चैलेंजिंग है जो टास्क उनको असाइन किए गए हैं क्या वो चैलेंजिंग है क्या एम्प्लॉयीज़ अपने रोल के ऊपर सेटिसफाइड है या दे थिंक कि वो ओवर बर्डनड हैं या वो लेस बर्डनड हैं तो ये एक बैलेंस जो है वो एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है इस बात को जहन में रखते हुए कि एम्प्लॉई को पोजीशन चैलेंजिंग भी लगे और ऑफ कोर्स उसका रोल सेटिसफाइंग इनफ भी होना चाहिए जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इज देयर एनी ऑर्डरली प्रमोशन प्रोग्राम फ्रॉम विद इन अगेन द रिटेलर को देखना है प्रोमोशन प्रोग्राम के हवाले से फिर देर इज द इम्प्लॉई एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज जब किसी भी तरह के लीडरशिप स्टाइल की हम बात करेंगे किसी भी तरह के रिटेल स्टोर के परस्पेक्टिव में बात करेंगे सो so एक इम्प्लॉय कितना पार्टिसिपेट करता है इन टू द डिसजन मेकिंग प्रोसेस दैट एक्चुअली टर्न्स द होल पिक्चर क्योंकि एक इंप्लॉय ही इंटरेक्ट कर रहा है विद द कस्टमर तो द फीडबैक कम्स फ्रॉम द इम्प्लॉ is actually true picture in front of the management. So if the management will take into consideration the points given by the employees for the decision-making it will really help them to go closer to the customer needs. So employee need can bridge the gap between the employee need and the customer need. Next point is related to are the channels of communication clear and open. So employees ke saad, there has to be a clear communication और वो कम्युनिकेशन का जो लेवल है दैट हैज टू बी ओपन कम्युनिकेशन देयर शुड नॉट बी एनीथिंग हिडन फ्रॉम द इम्प्लॉज विच इज नेसेसरी टू बी शेयर्ड विद देम नेक्स्ट इज इज़ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेन यू मेक सम वन रिस्पॉन्सिबल तो एक्चुअली ही इज अकाउंटेबल एज वेल तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी मैट्रिक्स का जो रिलेशनशिप है दैट हैज टू बी वेरी क्लियर फॉर द इम्प्लॉयर एज वेल एज फॉर द इम्प्लॉय दोनों को बहुत क्लियरली स्पेल आउट होना चाहिए इफ इट इज वेरी मच देयर इसका मतलब यह है कि यू कैन गेट वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉय देन इसम्प्लॉ ट्रेडिट फेयरली कोई बाइसनेस का एलिमेंट तो मौजूद नहीं है उस रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर है तो येस ऑफ कॉर्स यू हैव टू इलिमिनेट दैट तो ऑल द इम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड फेयरली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए तमाम इम्प्लॉयज़ के लिए बी इट जेंडर और बी इट लेट से द डिफरेंट पोजिशंस सो एवरी वन शुड बी फेयरली ट्रीटेड एंड द लास्ट पार्ट इन द इम्प्लॉ नीट इज़ गुड परफॉर्मेंस इम्प्लॉयज़ आर एवॉर्डेड रिडेड प्रॉपरली और नॉट इफ द इम्प्लॉयज़ आर नॉट रिवार प्रॉपरली विच मीन्स दे विल बी लेस एंगेजमेंट मोर डी अमंग द इम्प्लॉयज जो कि एक रिटेल स्टोर एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकती सो दे नीड टू कंसिडर दैट इंश्योर दैट द गुड परफॉर्मेंस इंप्लॉइज शुड बी प्रॉपरली रिवॉर्डेड थर्ड तरह की फैक्टर के ऊपर आते हैं विच इज द मैनेजमेंट नीड्स तो कौन कौन से पॉइंट हैं विच दे शुड कीप इन टू कंसिडरेशन नंबर वन इज इज़ इट रेलेटिवली ईजी टू ऑपटेन एंड रिटेन कॉम्पिटेंट पर्सनल तो मैनेजमेंट के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज तो नहीं है कॉम्पिटेंट लोगों को रोकने का उनको रिटेन करने का उनको नए लोगों को एक्वायर करने का क्या इज इट इज इट इज इट रेलिटिवली इजी और इट इज़ टफ देन नेक्स्ट पार्ट इज आर पर्सनल प्रोसीजर्स क्लियरली डिफाइन जो एस ओ पीज़ हैं वो रिलेटिव टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या वो क्लियरली स्पेल आउट कर रहे हैं तमाम बातों को लोगों के राइट्स लोगों की लाइबिलिटीज़ लोगों के डिस्क्रिप लोगों के पी तमाम चीज़ें आर क्लियरली स्पेल्ड आउट इफ़ यस इट इज़ परफेक्टली फाइन इफ नो दे शुड बी प्रॉपरली एड्रेस्ड डज ईच वर्कर रिपोर्ट टू ओनली वन सुपरवाइजर अगेन वेरी सिंपल पॉइंट सो दे नीड टू सी के हर वर्कर की रिपोर्टिंग किस सुपरवाइजर को है कैन ईच मैनेजर प्रॉपरली सुपरवाइज ऑल ऑफ द वर्कर्स रिपोर्टिंग टू हिम और हर क्या जो जितने लोग उस सुपरवाइजर को असाइन किए हैं वो उसको इक्वल टाइम दे पा रहा है नेसेसरी टाइम दे पा रहा है फेयर टाइम जस्टिफिकेशन है प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं इफ़ इट इज़ यस तो दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन देन डू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैव एडिक्वेट स्टाफ फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट स्टाफ के हवाले से यहाँ पे एग्जाम्पल मार्केटिंग रिसर्च के हवाले से दी गई है अगर मैं स्टोर की बात करूंगा तो उनके पास इतना स्टाफ हो जो कस्टमर डीलिंग प्रॉपरली कर सके कस्टमर हैंडलिंग प्रॉपरली कर सके कस्टमर की जो इंक्वायरीज हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सके आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली डेवलप्ड द प्रॉपर हायरिकी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर अगर एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू सस्टेन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो उसको जो मेन काम करना है वो ये करना है कि उसको अपने लेवल ऑफ आयर की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे टू बी क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड टू द टीम फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान आर शुड बी वेल इंटीग्रेटेड देर शुड नॉट बी एनी गैप बिटवीन द प्लान एंड बट सो इज बिन कम्युनिकेटेड टू द इम्प्लॉयज देन नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड और नॉट सो दर्गेनाइजेशन हैज़ टू सी कि जो आपके इम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड है कि नहीं और हाउ टू कीप देम मोटिवेटेड एप्सर्टिज्म लेवल क्या है आपके रिटेल स्टोर के अंदर या रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इज देर एनी सिस्टम टू रिप्लेस पर्सनैल इन ऑर्डरली मैनर प्रॉपरली लोगों की हायरिंग का प्रोसेस भी और फायरिंग का प्रोसेस भी और रिप्लेसमेंट का प्रोसेस भी इट हैज टू बी वेरी मच देयर से फायरिंग विच मीन्स इज एक्चुअली द राइट साइजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजिशन एंड लास्ट पॉइंट इज़ देर एन अ फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट चेंजेस इन कस्टमर ऑन द इन्वायरमेंट क्या मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में द चेंजेस जो हमने सजेस्ट की हैं इधर वो इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से हैं और जो कस्टमर के परस्पेक्टिव से हैं दोनों सूरतों में दे शुड है ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव बिन द फ्लेक्सिबिलिटी ताकि वो उसको चेंजेस को अडेप्ट कर सके तो मेजरली देर आर जो हमने डिस्कस किया देर आर थ्री फैक्टर्स जो कि इम्प्लॉय से रिलेटेड थे इम्प्लॉय नीड्स मार्केट के हवाले से थे एंड थर्ड पार्ट इज द मैनेजमेंट नीड जो के आपको हेल्प करते हैं इन सेटिंग अप अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी एड्रेस्ड शुड बी टेक इनटू टू प्रॉपर्ली प्रॉपरली बिफोर मेकिंग और बिफोर डेवलपिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन